चार गोरी ननद और काली भाभी की होली। अरे जल्दी तैयार हो जाओ, माँ ने हमें इस तरह देख लिया तो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। वो हमेशा ही गुस्सा रहती है, ऐसा कब हुआ जब वो गुस्सा ना हुई हो। खैर छोड़ो, मैं तो अच्छे से तैयार होंगी, अरे इकलौते भाई की शादी जो है। मैं तो एकदम बढ़िया तैयार हो गई, देखो कितनी सुंदर लग रही हूँ। मेरी ड्रेस और मेरा मेकअप, ऊपर से ये मेरा गोरा रंग कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, जब देखो अपने मुंह से अपनी तारीफ करती रहती हो। अरे तुम सबसे ज्यादा सुंदर तो मैं ही लग रही हूँ। बस बहस करना बंद करो, हम चारों ही बहुत प्यारी लग रही हैं। चलो अब चलते हैं। नताशा, पायल, आरती और सीमा चारों बहनें ही अच्छे से तैयार होकर अपने भाई के पास पहुँच जाती है। वो चारों अपने भाई की बारात लेकर अपनी होने वाली भाभी के घर जा रहे होते हैं। सभी लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। देखते ही देखते बारात हिमानी के घर पहुंच जाती है, जिसके बाद तुषार मंडप में जाकर बैठ जाता है। भाई थोड़ी देर की ही और बात है, फिर तो आपकी हम सफर इसी मंडप में आएंगी और तुमसे शादी कर लेगी, उसके बाद आप भी शादीशुदा हो जाओगे। हाँ हाँ, वैसे हमारी होने वाली भाभी दिखती कैसी है, माँ ने तो हमें फोटो दिखाई ही नहीं। अरे मैं अपने भाई की पसंद को जानती हूँ, जैसी भी होगी लड़की सुंदर बहुत होगी। अब मैं अपने मुंह से क्या ही तारीफ करूं, जब तुम्हारी भाभी आएगी तो तुम खुद ही देख लेना। अरे देखो देखो, हमारी होने वाली भाभी आ गई। हिमानी शादी के जोड़े में मंडप की तरफ बढ़ते हुए आ रही होती है। जैसे ही हिमानी मंडप में पहुंचती है, तुषार की चारों बहनें उसे देखकर हैरान रह जाती है और एक दूसरे के कान में कहने लगती है, हे भगवान ये क्या, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ, क्या यही है वो लड़की जिससे भाई शादी करने वाले हैं। हे भगवान, ये तो कोयले जितनी काली है, इतनी काली लड़की से भैया शादी क्यों कर रहे हैं। अरे मैं तो कहती हूँ भैया को शादी करने के लिए मना कर देते हैं। अरे हमारे भैया को तो कोई भी सुंदर लड़की मिल जाएगी। अरे भूलो मत, भैया ने खुद ही तो इन्हें पसंद किया है, भैया की लव मैरिज है। जब भैया खुद इस लड़की से शादी करना चाहते हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। पायल की बात सुनने के बाद सीमा, आरती और नताशा चुप हो जाती है। देखते ही देखते हिमानी की शादी तुषार से हो जाती है और वो अपनी पत्नी को अपने साथ अपने घर ले आता है, जहां हेमलता अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। अरे आओ आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा घर में स्वागत है। हिमानी ने लंबा सा घूंघट कर रखा होता है, जिसे देखकर हेमलता कहती है, अरे बहू बस करो, इतना लंबा घूंघट क्यों रखा है। अरे हम पुराने जमाने के सास ससुर नहीं है, तुम चाहो तो अपना घूंघट ऊपर कर सकती हो। हेमलता की बात सुनकर हिमानी अपना घूंघट ऊपर करती है, जिसके बाद हेमलता जैसे ही हिमानी को देखती है, उसकी आंखें दो से चार हो जाती है। हे भगवान ये क्या, ये लड़की इतनी काली है। अरे माँ क्या हुआ, आप तो अचानक से चुप हो गई हो। अरे वो कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। वैसे तुम्हारी पत्नी थक गई होगी, जाओ बहू को अपने कमरे में ले जाओ, थोड़ी देर आराम कर लेंगे। हेमलता की बात मानकर तुषार हनी को अपने कमरे में ले जाता है। उसके जाते ही चारों की चारों बहनें अपनी माँ से कहती है, अरे माँ ये सब क्या है, इतनी काली बहू इस घर में, मेरे भाई को कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती थी। अब मैं तुम चारों को क्या ही बताऊं, पहले ही तुम्हारे भाई ने मुझे जाने से मना कर दिया था। तुम्हारे पिताजी ही लड़की के घर पर जाकर रिश्ता पक्का करके आए थे और उन्होंने मुझे हिमानी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैं तो ये सोच रही हूँ, दो दिन बाद ही होली का त्योहार है, सभी मेहमान घर पर आने वाले हैं। अगर इस काली बहू को देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। अरे माँ मेरे पास एक प्लान है, मैं कहती हूँ क्यों ना हमारे सभी मेहमानों के आने से पहले इन दो दिनों के अंदर हम इसे इतना टॉर्चर करें कि ये यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए भाग जाए। पायल की बात सुनकर हेमलता उसकी बात पर अमल करती है, जिसके बाद चारों बहनें अपनी माँ के साथ मिलकर अपनी भाभी को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। पहले दिन से ही वो बेचारी हिमानी से खूब सारा काम करवाते हैं। अरे भाभी ये सब क्या है, देखना जरा चारों तरफ कितनी धूल हो रही है, दो दिन बाद मेहमान आने वाले हैं, जल्दी से इसे साफ कर दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ये सारी साफ सफाई अच्छे से कर देती हूँ। हिमानी जल्दी से कपड़ा लेती है और पूरे घर की डस्टिंग शुरू कर देती है। वो घर की डस्टिंग कर ही रही होती है कि तभी सीमा ढेर सारे गंदे कपड़े लेकर हिमानी के पास पहुँचती है और उससे कहती है, आपको क्या भाभी बनने का शौक ही था, बस देखो जरा कितने सारे गंदे कपड़े पड़े हैं,
भाभियों का काम होता है कि घर की साफ सफाई और सभी कामों की जिम्मेदारी अच्छे से संभाले। आप तो कुछ भी नहीं कर रही हो। नहीं नहीं सीमा, ऐसा नहीं है। मैं भी घर की डस्टिंग कर रही थी, बस इसे खत्म करते ही कपड़े धो दूंगी। वाह जी वाह, आए हुए एक दिन नहीं हुए हैं और आप पहले दिन से ही घर में बहाने बनाने लगी हो। ताना देने के बाद सीमा वहाँ से चली जाती है। हिमानी को ये सब बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चुप रहती है। मुझे लगता है कि सब लोग मिलकर मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, इस इम्तिहान को पास करके ही रहूंगी। हिमानी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसकी ननद पायल उसके पास आती है और कहती है, ओहो ये क्या, अभी तक सोच ही रही हो? अभी तो आपको ये कपड़े भी धोने हैं और बहुत सारे गंदे बर्तन भी धोने हैं। कब करोगी इतना सारा काम? चिंता मत कीजिए ननंद जी, मैं सारे काम अच्छे से कर लूंगी। आप बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। हिमानी ऐसा कहकर घर के सारे काम कर लेती है। वो घर की साफ सफाई भी करती है और कपड़े भी धो लेती है और आखिर में वो सारे बर्तन धो लेती है, जिसके बाद नताशा उसके पास आती है और कहती है, हे भगवान, कैसी भाभी हो तुम। हम लोग सुबह से भूखे हैं और आपने हमारे लिए खाना ही नहीं बनाया है। नताशा की बात सुनते ही हिमानी रसोई में जाती है और जल्दी से खाना बनाकर सबके लिए टेबल पर लगा देती है। सारा खाना खत्म होने के बाद वो अपने कमरे में आराम करने चली जाती है, जिसके बाद हेमलता अपनी चारों बेटियों से कहती है, अरे ये कल्लो माई तो काम में बहुत तेज निकली। अगर ये इसी तरह सारे काम अच्छे से करेगी तो हमें तो इसे इस घर से निकालने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। अब तो बस एक ही काम हो सकता है कि होली वाले दिन हम इस कल्लो माई को एक कमरे में बंद कर दें, तभी हमें इससे छुटकारा मिल पाएगा। नताशा की बात सभी मान जाती है, जिसके बाद होली भी आ जाती है। होली वाले दिन सभी लोग बहुत खुश होते हैं। नताशा किसी बहाने बेचारी हिमानी को एक कमरे में ले जाती है और वहाँ किसी तरह से उसे बंद कर देती है, जिसके बाद वो दरवाजे पर खड़ी होकर खुद से कहती है, इस घर में इस कमरे की आवाज कभी बाहर नहीं आती, बेशक आवाज कमरे के अंदर चली जाए, अब ये इससे बाहर ना आ पाएगी और ना ही हमारे मेहमान इस कल्लो माई को देखेंगे। चारों बहनें खुशी खुशी होली का त्योहार मना रही थी, वहीं दूसरी तरफ बेचारी हिमानी कमरे में बंद होकर रो रही होती है। आखिर मेरी ननद ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो उनका कभी बुरा नहीं सोचा। उन्होंने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अब मैं क्या करूं? ये मेरी तुषार जी के साथ पहली होली थी। हिमानी बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लड़के पायल को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उसी कमरे में ले आते हैं जहां हिमानी को बंद करके रखा होता है। वो उसे परेशान कर रहे होते हैं। अंदर से हिमानी को सारी आवाज सुनाई दे रही होती है। अरे ये क्या, ये तो पायल की आवाज है। लगता है वो मुसीबत में है। अब मैं क्या करूं? छोड़ दो कमीनो, मुझे छोड़ दो। क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? मेरी माँ और मेरी बहन को पता चल गया तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वो लड़के पायल के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। अंदर से हिमानी ये सब सुनकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। देखते ही देखते वो दरवाजा तोड़ लेती है, जिसके बाद हिमानी अपनी ननद पायल को उन लड़कों से बचा लेती है। पायल तुरंत ही हिमानी को गले से लगा लेती है। हमें माफ कर दो भाभी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप इतनी अच्छी हो कि मैं बता नहीं सकती। हमने इतना बुरा बर्ताव किया लेकिन आपने फिर भी मेरी जान बचाई। जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने इस त्योहार को अच्छे से मनाओ। अरे मेरे लिए तुम सभी एक समान हो। पायल अपने साथ हुई दुर्घटना के बारे में अपनी तीनों बहनों और अपनी माँ को बताती है, जिसे सुनकर उन्हें भी बहुत अफसोस होता है और वो सभी मिलकर हिमानी से माफी मांगती हैं। नहीं नहीं, आप सभी को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि हम प्यार प्रेम से रहें। हिमानी की ये बात सुनने के बाद उसकी चारों ननद उसे रंग लगाती है, जिसके बाद उसकी चारों ननद उसके साथ अच्छे से होली खेलती है और वो चारों अपने मन से काले और गोरे रंग का भेदभाव हमेशा हमेशा के लिए निकाल देती है। सीता देवी स्वभाव से बहुत ही संस्कारी थी। भोर को उठकर घर आंगन बहारना और नहा धोकर पूजा पाठ और तुलसी को पानी देना उसका पहला काम था। सीता देवी का घर परिवार पूरी तरह से शाकाहारी था, या फिर यूं कहें कि पूरी तरह से सात्विक था, इसलिए उनके खाने में लहसुन प्याज का छौंका भी नहीं लगता था। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। अरे सुनती हो भाग्यवान, मैं खेत पर जा रहा हूँ। अरे ठहरो निकुंज के बापू, चाय पानी तो पीते जाओ। अरे क्या सारा दिन भूखे पेट खेत में खटकोगे?
वो तो जोड़ों के दर्द ने जोर लगा दिया, वरना 8 बजे तक पकी पकाई रोटी तुम्हारी थाली में परोस देती हूँ। अरे बुढ़ापे का शरीर है, कब तक साथ देगा? अरे बस एक बार मेरा निकुंज सात समंदर पार से बलिहार लौट आए तो अब के बरस अपने बेटे का ब्याह कर ही दूंगी। देखना ऐसे गाजे बाजे के साथ बारात लेकर जाऊंगी अपने बेटे की कि पूरा गांव देखेगा। बेटे की शादी को लेकर सीता की आंखों में ढेरों आंस बंधी हुई थी, जो हर दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। हरिहर का खुद का अनाज का गोदाम था, जिससे अच्छी आमदनी होती थी, जिससे हरिहर और सीता के साथ मिलकर अपने इकलौते बेटे निकुंज को विदेश पढ़ने भेजा था। समय ढलता गया। फिर एक दिन जब सीता रसोई के भीतर खाना बना रही होती है, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। अरे निकुंज के बापू, जरा देखना तो दरवाजे पर कौन है। अरे भाग्यवान, मुझे लुंगी लपेटने में वक्त लग जाएगा, तुम ही देख लो। पुरखे पुरनिये सच ही कह गए हैं, करने से कराना भारी है। सीता बुदबुदाते हुए दरवाजा खोलती है। सामने उसका बेटा खड़ा था, जिसके बगल में शॉर्ट स्कर्ट क्रॉप टॉप के साथ हाई हील्स पहने हुए एक विदेशी लड़की खड़ी थी, जिसके चेहरे पर सनशाइन ग्लास चढ़ा हुआ था। सीता उसे सर से पांव तक घूरते हुए बोलती है, अरे निकुंज, यदनंगी लड़की कौन है और तू अचानक से यहाँ बिना कोई खास खबर के? अपनी माँ के सवाल सुनकर निकुंज के चेहरे पर एक हिचक उभर आती है, तभी वह अपनी माँ के पांव छूकर बोलता है, प्रणाम माँ, ये स्टेला है, आपकी बहू। हेलो सासु मॉम, हेलो पॉप्स। अपनी विदेशी बहू को देखकर सीता सर पकड़कर बोलती है, हाय रे मेरे फूटे करम, ये दिन देखना बाकी रह गया था। मेरी ये विलायती बहू ससुर को पॉप्स बुलावत है। अरे इस फिरंगिन ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अरे कहाँ तो मैंने सोचा था कि 36 गुड़ों से भरी बहू लाऊंगी, मगर सारे के सारे अरमान धरे के धरे रह गए। अरे भाग्यवान, तुम तो खामखा तिल का ताड़ बना रही हो। हमारा बेटा इस विलायती बहू के साथ खुश है, यही बड़ी बात है। और तुम देखना, बहुत जल्द बहु परिवार में पढ़कर घुल मिल जाएगी। अगली सुबह स्टेला विदेशी तौर तरीकों से किचन में आकर सभी के लिए कॉन्टिनेंटल खाना बनाती है। तभी सीता नहा कर बाहर आती है, जहाँ खाने की मेज पर बैठे हरिहर और निकुंज नाश्ते के इंतजार में बैठे होते हैं। अगर तुम दोनों बाप बेटे यहाँ खाने की मेज पर बैठे हो तो किचन में कैसी खटपट हो रही है। माँ, किचन में स्टेला है। आरी सत्यानाश हो इस विदेशन का, ये विलायती न जाने क्या अंट शंट खाते हैं, कहीं ये निखट्टू मेरी रसोई का नाश ही ना मार दे। सीता भागी भागी रसोई में आती है, जहां उसकी विदेशी बहू चूल्हा फूंक रही होती है, जिसे स्टेला का चेहरा धुएं से भर गया था। सासु मॉम, ये चूल्हा तो मुझसे जलता ही नहीं। अरे रहने दे मेरी फिरंगी बहू, ये चूल्हा फूंकना तेरे बस की बात नहीं। बट मैं तो अपनी पल्ली रसोई के रस्म पूरी करना चाहती हूँ। अपनी विदेशी बहू के मन में उभरी पहली रसोई की रस्म निभाने की चाहत देखकर सीता खुश मन से नया गैस चूल्हा खरीद कर मंगवाती है। ये ले मेरी विदेशी बहू, तू इस पर अपनी पहली रस्म पूरी कर। इसके बाद सास ससुर और पति की आंखें किचन की ओर गड़ी होती हैं। तब स्टेला खाने से भरे बाउल मेज पर रखकर सभी को खाना सर्व करती है। देख लो भाग्यवान, हमारी विदेशी बहू को खाना पकाना आता है। अरे इतनी उतावली ना दिखाओ, पहले देख तो लो तुम्हारी विदेशी बहू ने पहली रसोई की रस्म में ऐसा भी क्या खास बनाया है। पेपर, चिली चीज, अ पिज्जा एंड व्हाइट सॉस पास्ता। सासु मॉम, पॉप्स, प्लीज खाकर बताइए ना कैसा बना है। पहली रसोई के खाने में विदेशी खाना देखकर सास गुस्से से भरकर स्टेला पर चीख पड़ती है। पता था मुझे तू अपना विदेशी चाल जरूर दिखाएगी। एक बात कान खोल कर सुन ले मेरी विलायती बहू, ये तेरा विदेश नहीं है, बलिहार गांव है। हम लोग सादा खाना खाते हैं, इस घर में पास्ते से नाश्ता नहीं होता। अरे भाग्यवान, क्यों हमारी बहू पर चढ़े जा रही हो, उसने कोशिश की यही बड़ी बात है। एब्सोल्युटली ससुर जी, शायद मेरी सासु मॉम को देसी दाल भात चोखा के सिवा कुछ नहीं भाता। इसी के साथ सास और विदेशी बहू के बीच नोक जोक शुरू हो जाती। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और थक हार कर अपने विदेशी बहू को खुद खाना बनाना सिखाने लगती है। सासु मॉम, ये मुझसे ना ही होगा, कभी दाल जाती है तो कभी चावल कच्चा रह जाता है, और ये चपातीस बनाना तो बिल्कुल मेरे बस की नहीं है।
हाँ हाँ, जितनी तेजी से अंग्रेजी छटती है उतनी फुर्ती से करछी चमचा चलाना सीख जा। सासु माँ, आप ऐसा क्यों हैं? कभी तो यह खड़ूसपना छोड़ दीजिए। मैं अपने पूरी कोशिश कर रही हूँ। आपको पता है मलेशिया में मैंने कभी खाना नहीं पकाया, मगर मैं यहाँ ट्राई कर रही हूँ। ऐसे ही हर दिन के साथ अपनी सास से इंडियन खाना बनाना स्टेला सीखती है और एक दिन सीता उसे हलवा बनाने की फरमाइश करती है। यस, हो गया हलवा रेडी। आज तो सासू मॉम बहुत खुश हो जाएंगी। ये लीजिए माँ जी, हलवा खाइए। अरे मेरी विलायती बहू, जरा इस हलवे की हालत तो देख। ऐसा लग रहा हलवा नहीं कोई ले ही एकदम पतला पानी बना कर ले आई है। अब तू ही बता दे, इसे खा कर पीऊं या पी कर खाऊं? अपनी सास का ये ताना सुनकर स्टेला भी गुस्से में उखड़ जाती है। एनफ, मैं चाहे कितना भी अच्छा खाना क्यों ना बना लूं, आपको मेरा किया कुछ भी खोटा ही नजर आता है। मैंने इतना परफेक्ट हलवा बनाया है फिर भी आप मुझे सुना रही हैं? किसी ने सही कहा है, कुत्ते को घी हजम नहीं होते ही। तूने मुझे कुत्ता कहा? फिर तू क्या है, मलेशियाई मंकी? ऐसे ही हर दिन सास बहू के बीच खाने के पीछे खटपट होती रहती। ढलते समय के साथ स्टेला ना इंडियन कल्चर में घुल मिल गई और उसे खाना बनाना भी आ गया। तभी एक दिन नंदा और मंदा सीता के पास आई। सीता, अरे ओ सीता, जरा बाहर तो आना। लगता है इन दोनों नारद मुनि को मेरी विदेशी बहू के आने की भनक पड़ गई, इसलिए मेरे द्वारे भिन भिन आ रही है। अरे क्या हो गया, किस सोच में डूब गई? वैसे ये सब छोड़ो, हमने सुना है कि निकुंज विदेशी बहू ले आया है, जरा हमें भी तो मिला। अरे मेरी मान, तो मुंह दिखाई के दिन ही बहू के हाथों का खाना खिलाकर भोज दे देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम कल चले आना मुंह उठाकर, मतलब आकर। जैसे ही नंदा मंदा वहाँ से जाती है तो स्टेला बोलती है, माँ जी ये कौन थी? ये कलयुग की नारद मुनि है बहू, और भोज के बहाने ये तेरी सास को भिगो भिगो कर जूते मारने वाली है, क्योंकि तू विलायती है, इसलिए इन्हें लगता है कि तुझे देसी खाना बनाना नहीं आता होगा, मगर अब कल ये खुद मुंह की खाएंगी। अगले दिन पूरे गांव की औरतों की टोली सीता के घर आती है। घर का कोना कोना बड़ी ही खूबसूरती से सजा हुआ था। तभी स्टेला लाल रंग की एक सुंदर सी साड़ी के साथ भर मांग का सिंदूर और श्रृंगार करके उनके बीच आती है, जिससे सभी की आंखें स्टेला पर घिर जाती हैं। आप सभी को नमस्ते। अरे स्टेला बहू, जरा सभी को अपने हाथों का बना खाना तो चखा। जैसे ही सभी विदेशी बहू का बनाया खाना खाते हैं तो उंगलियां चाटते रह जाते हैं, यहाँ तक कि नंदा और मंदा भी विदेशी बहू की वाहवाही करने लगती हैं। अरे वाह, दाद तो देनी पड़ेगी तेरी विदेशी बहू की सीता, इसके बनाए दाने दाने में स्वाद भरा है। तेरी विदेशी बहू के आगे तो देसी बहू भी फीकी पड़ जाए। हाँ बिल्कुल सीता, वरना हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि सात समंदर से पार आने वाली लड़कियां भी संस्कारी होती हैं। अपनी विलायती बहू की बड़ाई सुनकर सीता की पुरानी सोच भी मिट जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अपनी सास के खटपट को भूल जाना स्टेला बहू, मैंने तुझे इसलिए डांटा फटकारा ताकि जात बिरादरी गांव समाज को तुझ पर उंगली उठाने का मौका ना मिले। आज मुझे अपनी फिरंगन बहू की सास होने पर फक्र है। आई ऑल्सो सॉरी सासू मॉम, मुझे आपसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। आखिरकार सात समंदर पार से आई विदेशी बहू गांव की सीधी सादी सास के दिल में अपने लिए जगह बना लेती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं।